हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा। यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूं। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहां पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहां पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्रुप्स मैनेजमेंट डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग तीन टाइप के ग्रुप यूज करते हैं। फर्स्ट होता है सुपर ग्रुप, सिस्टम ग्रुप, एंड लास्ट होता है, यानी कि थर्ड होता है नॉर्मल ग्रुप। इनकी ग्रुप आईडी क्या होती है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए जो दो फाइलें यूज की जाती है, ग्रुप एंड जी शेडो, उसके अंदर किस तरह हमारे ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रैक्टिकली। और ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब भी हम लोग कोई भी यूजर क्रिएट करते हैं तो उसका एक प्राइमरी ग्रुप ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है ग्रुप्स फाइल के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रुप को क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए और डिलीट करने के लिए जो हम लोग कमांड्स यूज करते हैं, ग्रुप एड, ग्रुप मोड एंड ग्रुप डेल, वो हम लोग किस तरह यूज कर सकते हैं। तो इन कमांड्स को यूज करने के लिए, यानी कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ग्रुप्स को मैनेज करने के लिए जो हम लोग कमांड यूज करते हैं, वो हम लोग कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन पर। और यहां पर हमने टर्मिनल ओपन किया। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं ग्रुप ऐड, जैसे कि ग्रुप ऐड स्पेस ग्रुप नेम प्रोवाइड कीजिए, जिस नेम से भी आप ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहां पर एक मलिक नाम का ग्रुप क्रिएट करना चाहता हूं, टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा और आप देख सकते हैं कि आपके सामने कमांड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि भाई ये ग्रुप क्रिएट हुआ है या नहीं, तो इसके लिए मैं यहां पर ग्रुप फाइल के अंदर ग्रैप कमांड के द्वारा मलिक को फिल्टर करूंगा। टाइप करके आप एंटर की प्रेस करके आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि मलिक नाम का ग्रुप जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, जिसकी ग्रुप आईडी है 1002। क्लियर है दोस्तों, चाहे तो आप यहां पर एक सेकंड, मैं कैट कमांड के द्वारा भी ग्रुप फाइल के अंदर जाकर आपको शो करा देता हूं। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये मलिक नाम का ग्रुप क्रिएट हो चुका है जिसकी ग्रुप आईडी है 1002। इसके बाद दोस्तों, अगर आप किसी भी ग्रुप को रीनेम करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं ग्रुप मोड, यानी कि ग्रुप को मॉडिफाई करने के लिए, जैसे कि ग्रुप मोड, ग्रुप को मॉडिफाई करने के लिए स्पेस हाइफन एन स्पेस, सबसे पहले आप न्यू नेम डिफाइन करेंगे। जैसे कि मुझे मलिक को रीनेम करना है IBM में और ओल्ड नेम, टाइप करके आप एंटर की प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों यहां पर हमने मलिक ग्रुप को रीनेम किया IBM में। कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगेन वही ग्रैप कमांड यूज करते हैं मलिक को फिल्टर करने के लिए। आप यहां पर देख सकते हैं कि ग्रुप फाइल के अंदर मलिक
कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है या ग्रुप अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम लोग मलिक की जगह आईबीएम को फिल्टर करते हैं, टाइप करके आप एंटर की प्रेस कीजिए, और दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि आईबीएम नाम का ग्रुप ग्रुप फाइल के अंदर अवेलेबल है। तो इस तरह हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ग्रुप मोड कमांड के द्वारा किसी भी ग्रुप को रीनेम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आप किसी भी ग्रुप की ग्रुप आईडी चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि आईबीएम ग्रुप की जो ग्रुप आईडी है वो है 1002, लेकिन दोस्तों चाहे तो आप लोग इस ग्रुप की ग्रुप आईडी मैन्युअली चेंज भी कर सकते हो। इसके लिए आपको अगेन वही कमांड यूज करनी पड़ेगी, ग्रुप मोड स्पेस हाइफन जी। दोस्तों हाइफन जी जो है स्मॉल रहेगा, स्पेस जो भी आप ग्रुप आईडी इसे असाइन करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहां पर 2100 ग्रुप आईडी असाइन करना चाहता हूं आईबीएम ग्रुप को, टाइप करके आप एंटर की प्रेस कीजिएगा। आप देख सकते हैं सक्सेसफुली कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है, और दोबारा से हम लोग ग्रुप फाइल में आईबीएम को ग्रैब करते हैं, यानी कि फिल्टर करते हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं कि आईबीएम ग्रुप की जो ग्रुप आईडी है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुकी है, और आप यहां पर देख रहे हैं कि पहले 1002 थी और अब जो है वो 2100 हो चुकी है। इसके बाद अगर आप किसी भी यूजर को आईबीएम ग्रुप के अंदर ऐड करना चाहते हैं, समझे, अगर आप किसी भी यूजर को, जैसे कि मेरे पास में एक प्रीत नाम का यूजर है, अब मुझे प्रीत यूजर को आईबीएम ग्रुप के अंदर ऐड करना है, तो दोस्तों उसके लिए हम लोग जो कमांड यूज करेंगे वो है यूजर मोड, यानी कि यूजर को मॉडिफाई करना चाहता हूं, तो उसके लिए यूजर मोड स्पेस हाइफन कैपिटल जी, कैपिटल जी रहेगा दोस्तों, ध्यान से रखना। और किस ग्रुप में आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे आईबीएम को ऐड कर आईबीएम ग्रुप में ऐड करना है प्रीत नाम का यूजर, टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा, और देख सकते हैं कि आपकी कमांड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। चेक करने के लिए अगेन हम लोग ग्रुप फाइल में आईबीएम को ग्रैब करते हैं, और दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि आईबीएम ग्रुप के अंदर प्रीत नाम का यूजर ऐड हो चुका है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ग्रुप मोड कमांड यूज करते हैं। अब अगर आप किसी भी ग्रुप को डिलीट करना चाहते हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं दोस्तों ग्रुप डेल। जैसे कि यहां पर मैं ग्रुप डेल स्पेस जिस भी ग्रुप को आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहां पर आईपीएम नाम के ग्रुप को डिलीट करना चाहता हूं, तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करेंगे ग्रुप डेल स्पेस ग्रुप नेम, टाइप करके आप एंटर की प्रेस कर दीजिएगा, और आप यहां पर देख सकते हैं कि आपकी कमांड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। कंफर्म करने के लिए अगेन आप ग्रुप फाइल के अंदर आईबीएम को ग्रैब करेंगे, एंटर की प्रेस कीजिए, और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपने आईबीएम को सक्सेसफुली ग्रुप डेल के द्वारा डिलीट कर चुके हैं आप। तो इस तरह दोस्तों हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये कुछ कमांड्स यूज करते हैं, जैसे कि अगर आपको ग्रुप क्रिएट करना है, ग्रुप ऐड, ग्रुप को मॉडिफाई करना है, ग्रुप मोड, अगर आप ग्रुप को डिलीट करना चाहते हैं तो हम लोग यूज करते हैं ग्रुप डेल कमांड। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपनी सभी सीरीज जो है वो वीडियोस की कंटिन्यू रखेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपके नॉलेजेबल है ये सभी वीडियो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब चैनल पर, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास में ईमेल के द्वारा पहुँच जाए। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा, तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा।
चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। CCNA स्विचिंग 41, CCNA राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का।